गुरुर् ब्रह्मा, गुरुर् विष्णु, गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा हैं, गुरु ही विष्णु हैं, गुरु ही भगवान शंकर हैं एवं गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म हैं। ऐसे गुरु को मेरा नमन। नमस्कार, मैं दीपांशु मिश्रा, कक्षा 12वीं का छात्र, आप सबको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारे भारत देश में शिक्षक दिवस हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जन्मतिथि 5 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुतनी ग्राम में हुआ था। उनके पिताजी का नाम श्री सर्वपल्ली वीरस्वामी तथा उनकी माताजी का नाम श्रीमती सीताम्मा था। उनकी पत्नी का नाम श्रीमती शिवकामू था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने अपनी शिक्षा प्राप्ति मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से की। उसके बाद 1918 में मैसूर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त हुए। उन्होंने 1931 से 1936 तक आंध्र विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर, तत्पश्चात 1936 से 1952 तक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्राध्यापक की भूमिका निभाई। इसके मध्य उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं दिल्ली विश्वविद्यालय में भी कार्य किया। 1952 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की एवं 1962 तक इस पद पर बने रहे। फिर 1962 में उन्होंने भारत के द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की तथा 1967 तक कार्यकाल संभाला। 1954 में उनकी महान दार्शनिक व शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। 17 अप्रैल 1975 को उनका देहांत हो गया। अब आज हम लोग प्रतिवर्ष उनके सम्मान में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। अंत में मैं उनके लिए एवं भारत के सभी शिक्षकों के लिए 4 पंक्ति कहना चाहूँगा। जल जाता है वो दिए की तरह, कई जीवन रोशन कर जाता है। जल जाता है वो दिए की तरह, कई जीवन रोशन कर जाता है। कुछ इसी तरह से हर गुरु अपना कर्तव्य निभाता है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम वैष्णवी मिश्रा फ्रॉम क्लास 11C। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू विश ऑल माय टीचर्स अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे। टीचर्स डे इज केप्ट असाइड टू गिव ऑनर टू द गिफ्टेड सोल हु वर्क रेगुलर टू मेक श्योर दैट द फ्यूचर इज ब्राइट फॉर ऑल ऑफ अस। एवरी 5th डे ऑफ सेप्टेम्बर मंथ इज रिकॉर्डेड एज टीचर्स डे। 5 सेप्टेम्बर इज मार्क्ड बाय द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन and the teachers day is celebrated in the commemoration of his birth anniversary. Teachers are the pillars of a country. They guide and shape the destiny of the students. They teach them to become better human beings. They are the reason behind the successful career of a student. Teachers like Sarvepalli Radhakrishnan and Dr. APJ Abdul Kalam are some of the renowned names that have given meaning to the word teacher. Dr. Sarvepalli Radhakrishnan was an Indian philosopher, academic, scholar and statesman who served as the first vice president and second president of India. He served as a professor of philosophy at Mysore and Kolkata universities and professor of Eastern religion and ethics at Oxford University in London. He was the Vice Chancellor of Andhra University and Banaras Hindu University. He served as Chancellor of Delhi University. Radhakrishnan led the Indian delegation to United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, and was elected as the Chairman of UNESCO's Executive Board. He has served as Indian Ambassador to the Soviet Union. I take privilege in wishing all our mentors in this school and across the country a very happy Teachers Day. Teachers are a blessing in disguise. They are the guiding light that brightens our lives all through. Teaching is actually a way of life and not just a profession. We are fortunate to have been blessed with such a wonderful, amazing, coordinating, loving and caring teachers who are always for us.
and I pray for their well-being and success and show immense respect today and always. Now, at last but not least, I would like to recite a shloka for all the teachers. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Deva Maheshwara, Gurur Sakshat Param Brahma, Tasmay Shri Gurve Namah. Thank you. Jai Hind, respected Principal Sir, Vice Principal Sir, and all my dear teachers. I am Paridhi Srivastav of Class 11th E. I want to wish you all a very happiest Teacher's Day. I will always thankful to you all for all the hard works and efforts you have put in for educating us. Thank you very much. Good evening, myself Bhavna Rathore from School Kendra Vidyalaya No. 2 OSF Shahjahanpur of Class 11th E. 5th September is celebrated as Teacher's Day throughout the country since the year 1962 on the birth anniversary of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, the second president of India, who was also philosopher and educationist. I want to recite poem which hardly dedicated to my dear teacher. I hope you will like it. Why God made teachers. When God created teachers, He gave us special friends to help us understand His world and truly comprehend the beauty and the wonder of everything, a better person with each discovery. When God created teachers, He gave us special guides to show us ways in which to grow so we can all decide how to live and how to do what's right instead of wrong, to lead us so that we can lead and learn how to be strong. Why God created teachers? In His wisdom, in His grace, was to help us learn to make our world a better, wiser place. Happy Teachers Day to all my dear teachers. Hey, hi, here is Manya, and I am here to wish you on the occasion of Teachers Day. I really want to wish you from the core of my heart a very, very happiest Teachers Day to all of our great heroes and heroines of KV. You know what? You are amazing and wonderful teacher I met ever in my head. It's just because of you, Mr. Hare, Ms. Position. I found inspiration, discipline, friendship, love, and everything in just one person. That's you. Thank you for everything, everyone. I am Aisha Khan, student of class 11th, Kendra Vidyalaya 2, OCF Shahjahanpur. I am happy because of going to celebrate Teachers Day. Teachers Day is observed to commemorate our honorable president, Shri Sarvepalli Radhakrishnan ji. Since 1962, 5th September is observed as a Teachers Day. Teachers are some of our most unsung heroes of our society. Teachers don't teach children, they help to us prepare road a heart in life. Today, I myself have to bow before my school teachers. They are not only giving us education but also improving our personality. On this occasion, I would give its credit to my respected principal sir, my vice principal sir, Asad Khan sir, my class teacher Khushburani ma'am, Anupam sir, Miraz sir, Javed Iqbal sir, Anjali Mishra ma'am, etc. They are carrying us round the clock in such an abnormal situation of COVID-19 through the online education. I would like to end my speech by APJ Abdul Kalam's quote: "The purpose of education is to make good human beings with skills and expertise." Thank you to all. नमस्कार, मैं सृजन कक्षा 12वीं का छात्र आज आपके सामने कविता लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ जिसका शीर्षक है गुरु वंदना। राग रंग का ज्ञान नहीं, राग रंग का ज्ञान नहीं, फिर भी मैं वंदन करता हूँ। ऐ गुरुवर तेरे चरणों में मैं भाल सा चंदन करता हूँ। ऐ गुरुवर तेरे चरणों में मैं भाल सा चंदन करता हूँ। मेरे जीवन में जो दिखता वो व्यवहार तुम्ही तो हो, जो कुछ पाया मैंने उसका आधार तुम्ही तो हो। नागफनी के कांटों में जो तुमने फूल खिलाए हैं, नागफनी के कांटों में जो तुमने फूल खिलाए हैं, वो फूल शब्दों में संबोधित हो तुम पर खिलने आए हैं।
वो फूल शब्दों में संबोधित हो तुम पर खिलने आए हैं। अक्षर अक्षर जोड़ आपकी महिमा मंडन करता हूँ, अक्षर अक्षर छोड़ आपकी महिमा मंडन करता हूँ। ऐ गुरुवर तेरे चरणों में मैं बाल सा चंदन करता हूँ, ऐ गुरुवर तेरे चरणों में मैं बाल सा चंदन करता हूँ। हम अपनी मंजिल पर जाएं पूरा जोर लगाते हो, हम अपनी मंजिल पर जाएं पूरा जोर लगाते हो। जब हम आगे बढ़ जाएं तो मन ही मन मुस्काते हो, जब हम आगे बढ़ जाएं तो मन ही मन मुस्काते हो। हमको अपने सुगत छाप दे जाने वाले तरोवर हो, हमको अपनी सुगत छाप दे जाने वाले तरोवर हो। हमको सतपथ पर ले जाने वाले मेरे गुरुवर हो, हमको सतपथ पर ले जाने वाले मेरे गुरुवर को। गाड़ी बंगला नौकर चाकर सब समृद्धि संभव है, गाड़ी बंगला नौकर चाकर सब समृद्धि संभव है। ज्ञान आपसे मिला जो हमको वो ही सच्चा वैभव है, ज्ञान आपसे मिला जो हमको वो ही सच्चा वैभव है। बारंबार आपका गुरुवर मैं अभिनंदन करता हूँ, बारंबार आपका गुरुवर मैं अभिनंदन करता हूँ। ए गुरुवर तेरे चरणों में मैं बाल सा चंदन करता हूँ, ए गुरुवर तेरे चरणों में मैं बाल सा चंदन करता हूँ। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिजीता है, मैं केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 OCF शाहजहांपुर फर्स्ट शिफ्ट की छात्रा हूँ। आज मैं आपके समक्ष कुछ गुरुवंदना और कुछ दोहे लेकर उपस्थित हुई हूँ। आशा करती हूँ ये आपको बेहद पसंद आएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। खत है